हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को किस प्रकार से प्रूव करेंगे और कितने कितने रूल्स होते हैं इनमें, कौन कौन से रूल्स हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से सिमिलरिटी की। ठीक है, तो सिमिलरिटी की में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है सिमिलर फिगर्स, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेज आर नोन एज द सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कौन कौन से होंगे, जैसे ज्योमेट्रिक फिगर है और उनके शेप जो है वो सेम है। ठीक है, डिफरेंट इन साइजेज, साइज में अंतर है, जैसे एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और बड़ा सर्कल है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन, जो भी फिगर रहेंगे, ज्योमेट्रिक फिगर, ये सब के सब क्या बोले जाएंगे, सिमिलर। राइट, अब इनमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर होती हैं। टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट। अगर जैसे किसी भी चीज को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है तो आप उसे सिमिलर कह सकते हैं, अगर किसी को आपने सिमिलर प्रूव कर लिया है तो आप उसे कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। इस बात को समझ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टॉप टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेट टू सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे कि पॉलीगन, तो पॉलीगन में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। राइट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के पॉलीगन होते हैं, जिनमें से हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉन्वेक्स पॉलीगन में पहला पार्ट आता है ट्रायंगल, दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, एन साइड पॉलीगन, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी कुछ पिछली वीडियोज़ हैं, उन पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आप एक बार जा करके प्लेलिस्ट में जा करके चेक करके वीडियो को देख लीजिएगा। राइट, अच्छा, तो पॉलीगन में क्या बताया गया है कि दो पॉलीगन कॉन्ग्रेंट कब होंगे। कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, ट्रायंगल है तो तीन साइड होती हैं उसमें, क्वाड्रिलेटरल चार साइड होती हैं, और सभी की सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हों। राइट, इस प्रकार से अगर कोई भी कंडीशंस आ रही हैं तो आप उन्हें सिमिलर फिगर कह सकते हैं। राइट, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से बात शुरू होती है ट्राइंगल की, कि दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनको समझ करके हम उन्हें सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों। साइड्स आर इन द रेशियो, साइड कैसी होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले गए हैं जिनमें क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं होती है इन्हें प्रूव करने के लिए। ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, सभी प्रकार के सर्कल कितनी भी रेडियस के हों उससे कोई मतलब नहीं है, सभी प्रकार के सर्कल ईच अदर सिमिलर बोले जाएंगे। सर्कल हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, स्क्वायर भी हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये तीन फिगर इस प्रकार के हैं, तीन शेप ऐसे हैं कि जो हमेशा के हमेशा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, जिनमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही हमें सर्कल की रेडियस की जरूरत है। किसी भी प्रकार के छोटे सर्कल या बड़े सर्कल सभी के सभी सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में देखो, यहाँ से हम लोग इधर समझेंगे, जैसे आर एच एस कॉन्ग्रेंसी का रूल है, आर एच एस लगा करके भी हम लोग इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। आर एच एस का मतलब क्या होता है, एस 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 होता है, हमने शायद पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे आर एच एस को नहीं डाला गया है। इसके बाद में जैसे ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर दो एंगल हैं तो वो इस क्राइटेरिया में चला जाएगा, तो इसलिए इस पर यहाँ ये भी नहीं होना चाहिए। अब हम सिंपल सी चीज़ें समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तीन एंगल आपको गिवन हो, एक तो ये प्रॉपर्टी है, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, जैसे कि हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल
ट्रायंगल जब किए थे वहां पे हमने दो दो ट्रायंगल लेके काम किया था, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी समझेंगे, पहला वाला एंगल ट्रायंगल दूसरे के पहले के इक्वल है, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, और तीसरा वाला तीसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर ये पी क्यू आर लिखा है, यहाँ पे एम एन ओ लिखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पहले वाले से चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर पी क्यू, जैसे हमने अपने मन से इसको ले लिया है, इसी के हिसाब से आप इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल फर्स्ट वाले पॉइंट को, फर्स्ट वाला पॉइंट ये है, यहाँ से आपको चलना है किधर, पी सेकंड की तरफ, तो यहाँ से जब सेकंड की तरफ चलोगे तो एन एम ओ लिखा जाएगा, एन एम ओ, तो ये ऑर्डर होते हैं, इनके हिसाब से आप ऐसे सिमिलर कह सकते हैं। तो जब हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें फाइनली कितनी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, देखो जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ईच कॉन्ग्रेंट, अगर आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है तो उसे सिमिलर कहेंगे, अगर आपने सिमिलर प्रूव कर लिया है तो उसे कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, सभी के सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ हो सकते हैं जो कॉन्ग्रेंट होंगे, तो वही जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। देखो अब ऐसा कोई सिमिलर हो जो कॉन्ग्रेंट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है कि हमें मेनली एक प्रॉपर्टी ये सीखनी होती है, एक प्रॉपर्टी ये सीखनी होती है, एक प्रॉपर्टी ये तीन प्रॉपर्टी मोस्ट यूजेबल प्रॉपर्टी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, तीन के तीन एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं ट्राइंगल के, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर जैसे दो एंगल भी की प्रॉपर्टी आपको मिली है, कि जैसे दो ट्राइंगल दिए थे और उन दोनों के दो दो एंगल पता है आपको, राइट, जैसे पहले ट्राइंगल के अंदर और दूसरे ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ये पता है, एक ये पता है, ठीक है, एक ये पता है, एक ये पता है, इसको समझेंगे। अगर दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आप बताएंगे कि वो इक्वल है, या आप सीधे से लिख देंगे वाई ए ए, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जो रूल्स लगाएंगे तो ए ए ही लगा करके आपको ए ए ए एंगल 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 नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। क्यों, जरूरत पड़ने पर जैसे ये दो एंगल का सम जो निकालेंगे 180 में से माइनस करेंगे तो वही तो यहाँ आएगा, और सेम वही ये वही यहाँ पर आएगा, तो दो एंगल होने के केस में आपको तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल एंगल एंगल लिख देंगे, ठीक है, बस ध्यान देना मोस्ट प्रोबेबल है ऑर्डर। फिर आता है एस एस एस, तीनों साइड, पहली साइड पहले ट्रायंगल के बराबर, दूसरी साइड दूसरे के बराबर, तीसरी तीसरे के बराबर, कहने का मतलब है रेशियो आर इक्वल, रेशियो बराबर होने चाहिए, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा है 2.5 और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा है 12 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग आ रही है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग आ रही है, और ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग आ रही है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये साइड्स हैं वो एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है और इनमें एक रेशियो है, ठीक है, और वो रेशियो क्या है, डबल का रेशियो है, ठीक है, ये 5 है तो इसका डबल ये है 2, ये है, अगर इससे इसको देखें तो 5 का आधा है, 12 का आधा 6 है, 10 का आधा 5 है, तो इस प्रकार के से साइड्स जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल या साइड्स आर इन द रेशियो, ठीक है जी। इसके बाद में ये हमारे जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आने चाहिए थे, उसी क्रम में एक यहाँ पे चौथा निकालते हैं, एस ए एस, एस ए एस का मतलब होता है पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, वैसे ही यहाँ पर साइड एंगल फिर साइड, तो पहली साइड जैसे ये ए बी सी ये पी क्यू आर, ठीक
ठीक है, तो इनके रेशियो जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर इनके रेशियो सेम होते हैं दोनों साइड के और बीच वाला एंगल इक्वल होता है, तो आप उसे कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और रूल क्या होगा, ऐसे ऐसे।